हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज मैं इस कुर्ते में जेब किस प्रकार से लगाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुर्ता है और इसमें हमें जेब लगानी है और ये जेब हमें सीधी तरफ लगानी है। तो ये देखिए, ये ऊपर से हमें ये हमने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है और ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये ऊपर से हमें 4.5 इंच तक छोड़ना है इसको। यहाँ तक ये हम निशान लगा देते हैं और 5 इंच का हमारे जेब का जो मुंह होता है वो होगा 5 इंच का। इस तरह से यहाँ पर हमारे जेब का मुंह हो जाएगा और यहाँ पर हम कट लगा देते हैं इस तरह से, जहाँ हमें अपनी जेब का मुंह बनाना है। तो जेब किस तरह काटनी है फ्रेंड्स वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा कपड़ा है और इसको हमें 18 इंच लंबा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 18 इंच है और ये हमें यहाँ निशान लगा देते हैं और 5 इंच की हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से हमें 5 इंच की निशान लगा कर चौड़ाई कर देते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं हम सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग हो चुकी है और ये 5.5 इंच का हमें ऊपर से छोड़ देना है इस तरह से 5.5 इंच, और इसको हमें इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा इतना डबल फोल्ड हो गया और ये देखिए, और इसको हम इस तरह डबल कर लेंगे। और जो ये हमारा ऊपर का 5.5 इंच का है, ये हमने जो निशान लगाया 5.5 पर, इसको हम यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये बीच का जो है ना, इसको हमें इस तरह से गोलाई देनी है जेब के लिए। तो इसको गोलाई देके फ्रेंड्स हमें ये फालतू का कपड़ा जो है कट कर देना है इस तरह से, और ये हमारी जेब बनकर ये कट चुकी है हमारी जेब। अब हम इसको कुर्ते के ऊपर कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसको अपने उल्टा करके, और हमने इतनी इतनी इसमें सिलाई यहाँ ऊपर की तरफ हमें इसको छोड़ना है और ये चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है तीनों तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसके चारों तरफ देखिए ये सिलाई लगा ली है इसके, और हमें इस तरह से करके इसमें बीच में एक निशान लगाना है ताकि हमारी जेब बिल्कुल बीच में सेंटर में लगे कुर्ते के ऊपर। तो इस तरह से हम इसमें निशान लगा देंगे बीचों बीच। और उसके बाद जो ये चीज़ हमने ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा चोड़ा है, तो इसको हम अपनी सबसे पहले हम जो ये हमने कुर्ता बनाया है इसकी जो हमने सिलाई निशान लगाया था, तो पहले हम वहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये ऊपर जो हमने निशान लगाया था इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो पहले हमें यहाँ तक इस निशान तक हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपनी यहाँ तक इधर नीचे की तरफ भी सिलाई लगा ली है और ये यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें जो ये हमने कट लगाए हैं उनको हम इस तरह से मोड़कर और थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से कपड़ा कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा है, हमने मार्जिन के हिसाब से रखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा काट लेंगे। और अब ये हमारा जो पॉकेट का है इसको हम यहाँ पर कट लगा देंगे इस तरीके से। ये फ्रेंड्स, ये हम ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो हमारा ज़्यादा मोटा मोटा सा हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर इसको हमें इस तरीके से करके हमें इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें फोल्ड करके इसके ऊपर अपने किनारे पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से हमें अपने चारों तरफ इसके जेब के जो हमें मुँह बनाना है उसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, और इसमें हमें अब जेब किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी जेब है, इसके चारों तरफ जो हमने सिलाई लगा ली, अब इस चीज़ को हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से, जो हमने ये नीचे की तरफ सिलाई लगाई है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है और ये हमारा नीचे का। तो सबसे पहले हम अपनी इस जेब को इस तरीके से रख लेंगे। सबसे पहले हम जो हमने बीच का निशान लगाया, ये हमने जो हमारी सिलाई है इसके ऊपर रखेंगे, जो हमने सिलाई लगाई है और जो ये हमने निशान लगाया था ये इसके ऊपर रखेंगे, और इस तरह से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमें इस तरह से लगानी है, और ये जो हमारी जेब है इसको हमने ऊपर करना है, और जो ये बिल्कुल किनारा है हमारा, यहाँ पर इसकी सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये हमने अपनी सिलाई लगा ली है, और देखिए ये जेब अब हमें इस तरह से नीचे करनी है, और देखिए ये हमने सिर्फ ये हमारी सिलाई इसके ऊपर लगी और ये हमारा हिस्सा, इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाई। तो अब हमें इस जेब को इस तरह, उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर अपनी जेब को इस तरह से सीधा करना है, और सीधा करने के बाद हमें इसके चारों तरफ एक बार और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, और उसके बाद हमें जो ये हमारा कुर्ता है जिसके ऊपर हमें ये जेब लगानी है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से, जो ये हमारी नीचे की साइड है, ये हमारा ऊपर का है और ये हमारी नीचे की साइड है, तो इसके ऊपर हम सबसे पहले इसको इस तरह से खोल लेंगे। अभी हमने इसमें कुर्ते में एक ही तरफ सिलाई लगाई जिधर हमें जेब लगानी है, तो ये हमारा आराम से खुल जाएगा। और उसके बाद जो ये हमारा बीच का हिस्सा है, तो इसमें हमने ये बीचों बीच हमें लाइन खींची थी हमने, तो उसी को इस तरह से बीच में बिल्कुल लाइन लगा के इसमें दोबारा, और इस चीज़ को हम इस तरीके से फ्रेंड्स रख देंगे, इसको पकड़ेंगे और ये हमारा ऊपर की तरफ होगा, ये हमारा सिलाई में नहीं आना चाहिए, और इस निशान को हम इस सिलाई के साथ मिलाकर एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, तो फ्रेंड्स ये हमारी अब ये सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है, और इस जेब को हम अपनी इस तरह से नीचे कर देंगे इस तरह से, और जो ये हमने ऊपर का हिस्सा काटा हुआ है तो इसको अब हम इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इस तरह मोड़ते जाएंगे और अपनी मशीन को इसके ऊपर चलाते जाएंगे इस तरह से। ये इसी शेप में जो हमने गोलाई दी हुई है इसी शेप में हमें इसको करते हुए चलना है, और ये देख लेंगे हम जो हमने निशान लगाया ये हमारा बीचों बीच आना चाहिए। ये थोड़ा राम राम से करते हुए हम अपनी जेब को लगाते जाएंगे। और फ्रेंड्स ये हम बीच में आने पर, जब ये हम बीच की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर आने पर, तो इस तरह से हमें बिल्कुल कोना इसका इस तरह से बनाना है, और फिर इसको हम इस तरह घुमा लेंगे और ये हमारी शेप बनती जाएगी। और इसी तरह से हम इधर भी इसी तरह घुमाते हुए इसको सिलाई लगाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हमें सिलाई लगानी है इसके चारों तरफ, ये हमारा ऊपर का है और ये हमारे नीचे जेब का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी जेब लग चुकी है, और ये हम आपको सीधी तरफ दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी सीधी तरफ है, और ये हमारी जेब इसमें लग चुकी है। ये देखिए ये हमारी जेब है, ये हमारी जेब है, और ये देखिए,
और ये सिलाई हमारी इस तरह से ऊपर आएगी। ये हमने थोड़ी सी शेप देके इस तरह हमारी जेब बन गई। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।